हेलो सखियों, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे वुडन नेम प्लेट, बहुत ही इजी आसान तरीके से, जिसे कोई भी बना सकता है। और अपने हाथों से बनी ही नेम प्लेट आप घर के बाहर लगाएंगे, उसे देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने ये बेस बनवा लिया है कारपेंटर से। आप अपनी पसंद से कोई भी डिज़ाइन का स्ट्रक्चर बनवा सकते हैं। और उसके बाद सबसे पहले हमें इस पर प्राइमर लगाना होता है। उसके बाद एक वेस्ट डब्बा लेंगे जिसको हमने हाफ काट दिया है, और ग्लू गन की सहायता से इसको इस बेस के ऊपर अच्छे से चिपका देंगे। अब एक वेस्ट कार्डबोर्ड लेना है जिसे कि हमें स्केल के हेल्प से स्क्वायर या रेक्टेंगुलर पीसेस इसको काट लेने हैं। बेस बनाने के लिए आप प्लाई का भी यूज़ कर सकते हैं, वुडन पीसेस भी ले सकते हैं, या दोनों कंबाइन करके अपने मनपसंद का आप बेस तैयार करवा लीजिए। हमने यहाँ पर रेक्टेंगुलर प्लाई ली है और उसके ऊपर 3 वुडन पट्टियाँ लगवाई हैं। वैसे अच्छी लकड़ी का ही यूज़ करना चाहिए, ड्यूरेबिलिटी रहती है उससे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे कार्डबोर्ड के पीसेस कट चुके हैं, अब इनको हम एक पेंसिल की हेल्प से फोल्ड करेंगे। सभी कार्डबोर्ड पीसेस को इसी तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने से ये थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, आसानी से फिर इसको हम लगा सकते हैं। सभी पीसेस फोल्ड हो चुके हैं। अब हम लेंगे सिरेमिक पाउडर या वॉल पुट्टी, जो भी इजीली अवेलेबल हो आपको, उसको फेविकॉल डालेंगे उसमें, फेविकॉल और पानी के साथ उसको एक पेस्ट बनाएंगे उसका। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और एक अच्छा स्मूथ फाइन पेस्ट हमें तैयार करना है। पेस्ट को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखना है। लीजिए तैयार हो गया है। अब फेविकॉल लगाएंगे बेस के ऊपर। 3 वुडन पट्टियों को छोड़ के बाकी सभी जगह पर फेविकॉल लगाएंगे। और इसके बाद हम ये जो पेस्ट तैयार किया है इसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। पेस्ट को रफली ही अप्लाई करना है, उसको स्मूथ नहीं करना है। इसके बाद हम किचन में बर्तन मारने के जो स्क्रबर होते हैं वो लेंगे, कोई सा भी एक ले सकते हैं, और इससे हम इसको टच करते हुए ऊपर की ओर खींचेंगे। देखिए कैसा टेक्सचर आया है इस पर। आप ये किसी और भी चीज़ की सहायता से बना सकते हैं, पेंसिल से बना सकते हैं राउंड शेप, या फिर कॉम्ब से, कंघे से आप इसको ग्रास का लुक दे सकते हैं। टेक्सचर बनाने के बाद अब हम ये कार्डबोर्ड के पीसेस इस डब्बे के ऊपर ऐसे लगाएंगे। पूरे लगाने के बाद फिर हम इसके ऊपर सिरेमिक पाउडर को फिर से हम इसका पेस्ट बनाएंगे और इसके ऊपर उसको अप्लाई करेंगे। पेंसिल से हम थोड़ा इसको स्क्वायर शेप भी दे देते हैं, थोड़ा लुक अच्छा आएगा। और सिरेमिक पेस्ट अप्लाई करने के बाद आप उसको अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। अब ये डब्बे के ऊपर हमने इस पेस्ट को लगा दिया है। इससे क्या होता है, ये कार्डबोर्ड थोड़ा हार्ड हो जाता है। आज का काम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको 1 या 2 दिन इसको सूखने में लगेंगे, इसको सुखाना पड़ेगा। देखिए सूखने के बाद इसका लुक देखिए कैसा है। सूखने के बाद इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, पर कोई बात नहीं, एक बार इस पर पानी अप्लाई कर दीजिए ब्रश से और फिर दोबारा सुखा लीजिए। इसके बाद हमें एक सैंड पेपर लेना है और उसको इन सब पे स्मूथ बनाने के लिए उसको ऐसे रब करके पूरा एक्स्ट्रा जो पेस्ट लग जाता है उसको हमें साफ़ करना है, जिससे फिनिशिंग अच्छी दिखे। इसके बाद हमको इस पर कलर करना है, तो मैंने ग्रीन एंड ब्लू कलर का कॉम्बिनेशन चूज़ किया है। आप कोई भी कलर इस पर कर सकते हैं। अब हम शिल्पकार लेंगे। इसके अंदर 2 पीसेस होते हैं जिन्हें हमें आपस में मिलाना होता है, अच्छे से मिक्स करना है। और ये जो बॉक्स है इसके ऊपर हम इसको लगाएंगे एक गमले का डिज़ाइन देने के लिए। Oh, yeah.
हमने इस पर मैसेज लिखा है। आप चाहें तो फैमिली मेंबर्स के नाम लिख सकते हैं या फिर सरनेम लिख सकते हैं। और लास्ट में हम इसमें यहाँ पर स्टोन्स लगाने वाले हैं, जिसके लिए हमें ग्लू गन की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे हम छोटे और बड़े दो साइज के स्टोन्स लगाएंगे। ग्लू गन से काम करते वक्त थोड़ा स्पीडली काम करना पड़ता है। अगर ये ग्लू सूख जाता है तो फिर ये स्टोन या कोई भी चीज़ इस पर चिपकती नहीं है। इसी तरह हम पूरी लाइन में ऐसे स्टोन्स लगा लेंगे और पूरा कंप्लीट करने के बाद इसको एक बार उठा के टेढ़ा करेंगे, जिससे जो गैपिंग हो जाती है स्टोन की उसको फिर दोबारा से भर सकें। नाउ इट्स रेडी। लास्ट में अब हमें इसमें बेल्स लगानी है। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को